हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आशा करती हूँ आप सब लोग घर में मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा दो में हिंदी भाषा पाठ तीन, शब्द और वाक्य। पिछले दिन आपको हमने शब्द के बारे में बताया था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण जानते हैं ना, जो क ख ग घ होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। तो उनको जब हम सही ढंग से लिखते हैं तो शब्द बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, ठीक है। तो प्रश्न पहले वो वाला शब्द वाला था प्रश्न एक, आज है वाक्य वाला प्रश्न दो। वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेंटेंस, तो हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? तो इसका क्या उत्तर है? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जब हम शब्दों को सही जगह पर लिखकर देखते हैं तो वो वाक्य बनते हैं। उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो सही नहीं होगा, हमको समझ में नहीं आएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, माने ही नहीं निकलेगा। जब हम शब्दों को सही जगह पर रख के लिखेंगे तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। देखिए एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, जैसे कि जोर बालिका रही से बोल है। ये कुछ सही वाक्य हो लगा आपको? आपको पढ़ के कुछ समझ में आया? नहीं ना, ये गलत है। जोर बालिका रही से बोल है, ये रॉन्ग है, गलत है। सही क्या होगा? बालिका जोर से बोल रही है, ये सही हुआ ना। ये आपको समझ में आया, लेकिन ऊपर वाला नहीं समझ में आया था। तो इस तरह से जब हम सही जगह पर रख के लिखेंगे शब्दों को तो वो वाक्य कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने शब्द और वाक्य पढ़ लिया, उसके आगे और हम आपको बताएंगे आप घर में क्या करेंगे। ऐसे आपके पुस्तक में लिखा होगा, उल्टा पुल्टा लिखा होगा, उसको आप सही करेंगे अपने से। और आपका गृह कार्य क्या है? पाठ तीन वाक्य पढ़ो, यही वाला पाठ तीन शब्द और वाक्य घर में पढ़ेंगे। कल हम लोग दूसरा काम करेंगे, ठीक है बच्चों।